रसूलपुर खुर्द के रहने वाले व्यक्ति की एक निजी अस्पताल में डेंगू की प्लेटलेट चलाते वक्त मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। यह जानकारी मृतक के परिजनों ने देते हुए बताया कि कल हॉस्पिटल में मृतक को प्लेटलेट चढ़ाई गई, जिसके बाद उसकी हालत खराब हो गई और उसने कुछ देर बाद दम तोड़ दिया, जिसकी शिकायत पुलिस को कर दी गई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल वाले ठीक से केयर करते तो व्यक्ति को बचाया जा सकता था। फिलहाल परिजनों का इस घटना से रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस द्वारा मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं परिजनों का अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया जा रहा है। मौके पर अंदर बढ़कर कुंडी अंदर लाकर धक्केदा जी उसका साड़ा था जी, उन्हें कुआड़ मुक्का मार का कुआड़ खोलिया, वो जी वो उसकी शिकल देखी जी कौन सा है जी कौन सा नहीं है। उन्हें फिर डॉक्टर पर फोन कराया होगा, अंदर ही बैठे बैठे ना फिर वहाँ सारे आ गए जी, डॉक्टर पता नहीं कितने आ गए जी वहाँ से डॉक्टर। उसके बाद डॉक्टर आए जी, जी छोकरा खत्म हो गया जी, फिर वहाँ से आए यानी कोई नहीं आया वहाँ से। 27 साल उम्र थी जी। हाँ जी, पुलिस में क्या रिकॉर्ड लिखवाया, किसके नाम लिखवाया? पुलिस उसके पापा के नाम ही होगी, उसी के नाम ही होगी जी। डॉक्टरों की लापरवाही का पर्चा दिया? हाँ जी, हाँ जी, वो पुलिस भी वहीं थी जी, मौके में थी पुलिस भी, पुलिस आ रही थी जी, पुलिस बुला रखी थी, फिर मैं वहाँ से वो काम होया जी। क्या नाम है, क्या लगते हो आप उनके? मैं उसका ताऊ हूँ जी। क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र जी।